तो आज फाइनली ऑफिशियली लॉन्च हो गया इंडिया में इनफिनिक्स नोट 5 स्टाइलिश, विच इज़ वन ऑफ द बजट ओरिएंटेड स्मार्टफोन जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक स्टाइलिश। बॉक्स का पैकेजिंग जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का है और ये डिवाइस आपका चल रहा है एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब अपडेट के मामले में आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहेगा। मेरे पास जो वेरियंट भेजा गया कंपनी की तरफ से वो है 64GB रोम एंड 4GB रैम वेरियंट। अभी बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये डिवाइस आपका एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होने वाला है flipkart.com पे, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तारित रूप से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जहाँ तक प्राइसिंग मेंशन है बॉक्स में वो है आपका 16,999 रुपये। एक्चुअल प्राइसिंग अभी तक मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बॉक्स के पीछे यहाँ पर बहुत सारा स्पेसिफिकेशन मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेन का सपोर्ट आपको मिलता है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो आपको डिस्प्ले मिलता है, 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है विद द एपर्चर f1.8, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, उसके साथ 4000mAh का बैटरी, मेटल फुल बॉडी डिजाइन और दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। तो चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन और आपको दिखाते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और डिवाइस कैसा है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है द डिवाइस इटसेल्फ, और जैसे आप देख पा रहे हो डिवाइस सामने से कुछ इस प्रकार का देखने में है, और अगर मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ इट सिंपली लुक्स आउटस्टैंडिंग। ये जो कलर है ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। जनरली जैसे आप सबको पता है मैं ब्लैक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, रिसेंटली मैंने ब्लू बहुत सारा डिवाइसेस इस्तेमाल किया, लेकिन ये वाला कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया और डेफिनेटली दिस इज़ ए मस्ट यूज़ कलर। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक स्क्रैच गार्ड, जो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि नए डिवाइसेस का हमेशा टेम्पर्ड ग्लास मिलना पॉसिबल नहीं होता, तो इनिशियली एटलीस्ट आप ये स्क्रैच गार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद जब टेम्पर्ड ग्लास अवेलेबल होगा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ये एंड्रॉयड 1 डिवाइस है, उसका कुछ लीफलेट है और उसके साथ आपको मिलता है यूज़र मैनुअल और वारंटी इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपको इस डिवाइस के बारे में अधिक जानकारी लेना है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई देता है एक सिम इजेक्टर पिन, एक बैक केस जो आपका एक ट्रांसपेरेंट बैक केस है, तो काफ़ी अच्छा होता है, फ्रीबीज मिलना किसको पसंद नहीं है, और इसको डिवाइस में लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का लगता है। नेक्स्ट आपको मिलता है एक डेटा केबल, ये नॉर्मल यूएसबी टाइप 2 डेटा केबल है, बट ट्रस्ट मी गाइस द डेटा केबल क्वालिटी इज़ वेरी गुड। फाइनली आपको मिलता है एक चार्जर विच इज सपोर्ट्स एक्स चार्ज, मतलब फास्ट चार्जर सपोर्ट है, और रेटिंग जैसे आप देख पा रहे हो ये फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छी बात है आपको एक फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल रहा है, तो अलग से आपको खरीदने का ज़रूरत नहीं। अभी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। डिवाइस के एकदम पीछे आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद एपर्चर f1.8, उसके साथ आपको देखने को मिलता है डुअल LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर और इन्फिनिक्स का लोगो। डिवाइस के आई थिंक बॉटम में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्टाइलिश का कटआउट, स्टाइलिश को कुछ इस प्रकार के आप दबा के निकाल सकते हैं और ये कुछ इस प्रकार का लगता है स्टाइलिश, लुकिंग प्रीटी कूल एंड स्टाइलिश जैसे आप देख पा रहे हो। उसके बाद अगर बॉटम में देखा जाए बॉटम फैनिंग आपको स्पीकर्स मिलता है, कुछ स्क्रूस मिलता है, USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा सिंक, मेन माइक्रोफोन फॉर कॉलिंग पर्पस और 3.5mm हेडफोन जैक, मतलब बॉटम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको दिया गया सिम ट्रे जो है आपका एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, जहां पर आप 2 सिम या फिर 1 सिम एक मेमोरी कार्ड एट ए टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइस के राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा पावर लॉक एंड अनलॉक बटन, जहां पर हल्का सा टेक्सचर दिया गया विच लुक्स एंड फील्स प्रीटी कूल, उसके साथ आपको दिया गया वॉल्यूम रॉकर्स। डिवाइस के ऊपर और नीचे आपको एंटीना लाइंस दिया गया जो देखने में काफ़ी कूल और स्टाइलिश लगता है। डिवाइस के एकदम सामने आपको देखने को मिलेगा 5.93 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 2.5D कर्व ग्लास, और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है आपका 18:9, और यहाँ पर आपको 407 का PPI भी मिलता है। एकदम डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखाई देगा सेल्फी कैमरा विच इज 16 मेगापिक्सल का AI बेस्ड सेल्फी कैमरा विद एपर्चर f2.0, उसके साथ यहाँ पर आपको AI ब्यूटी, AI बोके, वाइड सेल्फी और टाइम लैप्स का भी फीचर दिया गया है, उसके साथ आपको दिया गया है एक सॉफ्ट फ्लैश भी, मेन ईयरपीस और कुछ सेंसर्स। सामने के एकदम बॉटम में आपको देखने को मिलेगा ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन और थोड़ा सा चिन। सो चलिए जल्दी से डिवाइस को करते हैं बूटअप और आपको दिखाते हैं डिवाइस के अंदर क्या है। जितना टाइम ये बूटअप होता है मैं आपको बता देता हूँ इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। इन्फिनिक्स नोट 5 स्टाइलिश में आपको मिलेगा 5.93 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो विद 2.5D कर्व ग्लास, रेजोल्यूशन है 1080x2160,
विथ 40 सेबियन पीपीआई। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक फुल मेटल बॉडी, एंड्रॉयड ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ आपको मिलता है गूगल लेंस और गूगल वॉइस असिस्टेंट भी, और ये डिवाइस आपका चल रहा है लगभग स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर। इन टर्म्स ऑफ द कैमरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा 16 मेगापिक्सल का AI बेस्ड रियर कैमरा विद एपर्चर F1.8, डुअल LED फ्लैश, AI ऑटो स्क्रीन डिटेक्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ फ्रंट में देखा जाए आपको 16 मेगापिक्सल का सेम AI बेस्ड फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है जिसका एपर्चर है F2.0। उसके साथ साथ आपका AI ब्यूटी, AI बोके, वाइल्ड शॉट और टाइम लैप्स का भी फीचर मिलता है। इन टर्म्स ऑफ द बैटरी यहाँ पर आपको दिखाई देगा 4000 mAh का बैटरी, और उसके साथ यहाँ पर आपको दिया गया है AI पावर मैनेजमेंट भी। यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है 18W फास्ट चार्जर जो काफ़ी अच्छी बात है। इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का P23 प्रोसेसर जो आपका एक ऑक्टाकोर 64-bit प्रोसेसर है जिसका क्लॉक स्पीड है 2 GHz। GPU देखा जाए यहाँ पर आपको मिलेगा ARM माली G71 GPU। सो जैसा देख पा रहे हो डिवाइस आपका बूट अप हो गया, यहाँ पर आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। यहाँ पर जैसा देख पा रहे हो ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर गूगल का कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, उसके साथ साथ बेसिक कुछ गूगल का एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन नहीं जो मैंने बहुत दिन बाद ऐसा कोई देखा। यहाँ पर खाली एक्स नोट का एप्लीकेशन अवेलेबल है जो बेसिकली आपका एस पेन के लिए लगता है, वो थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। तो डायरेक्टली अगर जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स पे, उसके बाद सिस्टम में, उसके बाद अबाउट फोन में, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये डिवाइस अब चल रहा है एंड्रॉयड ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ यहाँ पर आपको मिलता है 4GB रैम एंड 64GB रोम का वेरियंट। तो देख लेते हैं एग्जैक्टली मेमोरी में कितना यहाँ पर खाली है। तो स्टोरेज में मैंने हाल के 2-4 फोटोज उठाए, फिर भी आपको लगभग 10 GB 11 GB के आसपास यूज मिलता है, तो बाकी पूरा ही आपको खाली मिलता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट आपको लगभग 55 GB के आसपास फ्री मिल जाएगा यहाँ पर, 54-55 काइंड ऑफ दैट, तो जो काफ़ी अच्छी बात है। सो यहाँ पर जैसे यूजर इंटरफेस एकदम स्टॉक है, तो अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड पसंद करते हैं डेफिनेटली यूड लव इट। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली एस पेन कैसा है। तो एस पेन एक्चुअली यहाँ पर इस टाइप का आपका निकलता है, जब भी एस पेन निकलता है तब यहाँ पर आपका ये सभी ऑप्शंस आपका आ जाता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं सभी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये रहा एस पेन। एस पेन कुछ इस प्रकार से काम करता है जैसे हमारा टच स्क्रीन काम करता है, एस पेन वैसे ही काम करता है। यहाँ पर सभी चीज़ में आपका एस पेन काम करता है जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ कर सकता हूँ, कुछ भी चीज़, तो ये वाला डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका एस पेन का एक ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पर आपका कुछ ऑप्शन दिखाई देता है जो आप इस्तेमाल कर पाएंगे, क्रिएट नोट, राइट मेमो, व्यू फाइल्स, टेक स्क्रीनशॉट, पेंटिंग, सभी चीज़ यहाँ पर करते हैं। और जब आप इसको किसी के नज़दीक में लाएंगे तो कुछ इस प्रकार का जैसे आप एक डॉट दिखाई देता है तो वो आपका स्क्रीन में दिखाई देगा, और उस टाइम में अगर आप यहाँ पर जो बटन दिया गया है उसको अगर आप दबाते हैं तो भी आप यहाँ पर ये वाला एक्स नोट का ऑप्शन आ जाएगा। खाली यही नहीं, अगर आप इसको इंटरनली ऐसे घुसाते हैं तो जैसे यहाँ पर आपका वो साइन चला जाता है, और अगर आप इसको निकालते हैं तो यहाँ पर एक्स नोट का ऑप्शन ऑलरेडी खुल जाता है। इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर भी यहाँ पर जैसे ऊपर का एक नोट का साइन यहाँ पर दिखाता है। सो डेफिनेटली एक्स नोट काफ़ी बढ़िया है इनफैक्ट। और मैं आपको थोड़ा बहुत पेंटिंग करके दिखाता हूँ, हालांकि मेरे पेंटिंग उतना अच्छा नहीं है, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो इससे। अगर स्टाइलिश के बारे में देखा जाए ये काफ़ी बढ़िया एक क्वालिटी का स्टाइलिश दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग फंक्शंस दिया गया है, तो हालांकि इस वीडियो में उतना सारा फंक्शंस बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फॉर द टाइम आप इतना जान लो इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेंटिंग, मैथ्स, राइटिंग, मेमो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस stylish, and this works simply outstanding. I am using this device from last couple of days and it is performing simply great. और जब आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली यू विल ऑल्सो लव इट। तो आप स्टे ट्यून रहिए और डेटा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत कैमरा यूजर इंटरफेस। तो कैमरा यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो कुछ यही है, ये रियर कैमरा है। यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा कुछ इस प्रकार का, विच इज 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और यहाँ पर आपका वीडियो है, मोड्स है, मोड्स में आप टाइम लैप्स ले सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉर्मल मोड है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, तो सिंगल रियर कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। फ्रंट में भी अगर देखा जाए सेम आपका बोके है, नॉर्मल है, ब्यूटी है, वीडियोज है, और यहाँ पर आपको दिया गया है मोड्स। तो अभी जो कुछ सैम्पल शॉट्स आप देख पा रहे हैं ये मैंने रियर और फ्रंट कैमरा से लिया है और कुछ इस प्रकार का शॉट्स निकल के आया। हालांकि ये काफ़ी इनिशियल स्टेजेस है, तो मैं इस कैमरा को और भी ज़्यादा टेस्ट करूंगा और आप लोगों के लिए फुल इनडेप्थ कैमरा रिव्यू लेके आऊंगा ये डिवाइस का, तो स्टे ट्यून फॉर दैट।
सो गाइज, ये था आपका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ इन्फिनिक्स नोट 5 स्टाइलिश डिवाइस. मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इसका जो कलर है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, एंड बिल्ड क्वालिटी इज सिंपली आउटस्टैंडिंग, नो डाउट अबाउट दैट. इस डिवाइस के रिलेटेड मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, मेरे चैनल पे पोस्ट करूँगा, तो अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा उसका आंसर देना. उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डेटा डॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस टाइप का लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोज मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ. तो इस वीडियो में अभी तक लिए इतना ही. दिस योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा डॉग, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.